भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए काफी लंबे समय तक संघर्ष के बाद भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस दौरान तीनों सेना द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और सेना द्वारा आयोजित अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन किया जाता है, जो हमारी राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। भारत को आजादी मिलने के बाद विविधता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राज्य खास झांकियों के माध्यम से अपने देश की प्रगति, परंपरा और समरसता को प्रदर्शित करते हैं। हम सभी को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने देश की शांति और समरसता को बनाए रखेंगे। हम सभी मिलकर अपने देश के विकास में सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। रोशनी है हमारे प्रधान अध्यापिका का और प्रिंसिपल मैम भी लक्ष्मी जी, हमारे प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे जो साथी हैं और हमारे जो नन्हे जो बच्चे हैं, जो आने वाले देश के भविष्य के नींव हैं, उन सभी को 75वां गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो मुख्य अतिथि जो थाना के प्रभारी है श्री राम कुमार वर्मा जी व्यस्त है, वैसे उनका कार्यक्रम भी पूरा व्यस्त है, इसलिए वे आए, कुछ तो समय दिए, झंडा फहराए, उसके लिए मैं बड़े तहे दिल से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और हमारे म्यूजिक में हमारे म्यूजिक टीचर जो प्रदीप पाल जी, अपना चक्रवर्ती जी, जो हमारे बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं, निरंतर अपना प्रयास जारी करते हुए हमारे बच्चों को निपुण बनाते हैं। आज जो वो गीत गाए हैं हमारे देशभक्ति का, ये उन्हीं को छेद आता है, उन्हें मैं धन्यवाद रूपी नमन प्रस्तुत करूँगा। और हमारे बच्चे परेड के जो पूरा सीना तान कर अपने पथ की ओर अग्रसर कर रहे थे, और मैं उनसे कामना करता हूँ कि अपने जीवन के पथ पे भी, कर्तव्य पथ पे भी इसी तरह सीना तान कर हमारे देश का गौरव बढ़ाए। आपको पता है ये क्यों? कि हमारा देश करीबन 200 साल से भी ज्यादा अंग्रेजों के अधीन गुलाम था। कितने ही वीरों ने, कितने ही देश के सुपुत्रों ने अपना कर्तव्य समझा, अपने जान को बाजी लगाकर हमारे देश को आजादी करके एक फूल के बगीचे की तरह हमें सौंपा है। तो निरंतर आने वाले बच्चे इस चीज को ना भूले कि हमें आजादी ऐसे नहीं मिली। जितने लोगों ने इस देश को सींचने के लिए अपना खून तक त्याग दिया, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम भी इस देशभक्ति को आगे बढ़ाएंगे। जस्ट अभी मुझे याद आ रहा है, तिरंगा को देखकर बहुत अभी का है, मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो माहौल है, ये जो मजहब का, इसको हम इतनी तरह बांटने में जुड़े हुए हैं, इसका मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, लोगों में एक बाजार सा भर गया है।
रंगों को भी हमने मजहूरों में बांट दिया, हिंदुओं का भगवा रंग दे दिया, मुस्लिमों का हरा रंग दे दिया। लेकिन एक चीज याद रखिए, हमारे ये तिरंगा है, हमारे देश की आन बान और शान है। ये वो तिरंगा है जो हमारे देश का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विजय होता है तो उस वक्त हमारा ये राष्ट्रीय पताका लहराकर हमारे भारत को दर्शाता है। जब कोई वीर बलिदान हो जाता है तो उसके शरीर पर नई तिरंगा का कपड़ा को लपेट दिया जाता है। लेकिन आज मैं इस तिरंगे की महिमा इसलिए गा रहा हूँ, ऊपर का जो भगवा रंग है अगर वो हटा दे तो तिरंगे का कोई मान नहीं, नीचे अगर हरा रंग हटा दे तो भी तिरंगे का कोई मान नहीं। इन दोनों रंगों के बीच एक सफेद पट्टा है, वो है शांति का प्रतीक। और हम ये दोनों भगवे और हरे रंग शांति के प्रतीक में रहेंगे तो बीच का जो अशोक चक्र हमें इतनी अग्रसर करते हुए आगे बढ़ाएगा कि जिस देश ने हमारी जिस अंग्रेजों ने हमारी देश को 200 साल से भी ज्यादा राज किया था, आज उसी अंग्रेज का प्राइम मिनिस्टर हमारे भारतीय मुल्क का है ऋषि सुनक, वही की होम मिनिस्टर प्रतिभा पटेल, प्रीति पटेल हमारी ही मुल्क की है। तो ये शांति का प्रतीक के बीच में जो अशोक चक्र, अगर दोनों मजहबों के बीच में अगर शांति रहेगी तो अशोक चक्र हमारी इतनी और अग्रसर ले जाएगा कि हमारा देश एक दिन विश्व गुरु बनेगा और इसमें कई रंग लगेंगे और हर हर रंग यही कहेगा बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे जय हिंद। अब मैं हमारे सीनियर क्रिकेट टीम जो इंचार्ज है श्री दुर्गा मैम से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे बच्चों के बीच आकर स्वीट सुना दें। धन्यवाद, थैंक यू। पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।